ओए बारिश बारिश शुरू हो गई, हमें मोर्चू में अंदर जाना पड़ेगा। जाने हाँ ठीक है चले। ये बंद होगा या खुला हुआ है दरवाजा? चेक करता हूँ। नहीं ओपन है। लाइक अपना वेटर है जो पीछे वो पीछे की तरफ हो आपका, जितना आगे जाओगे उतना डेंजरस होगा। ये इनकी लगता फिर ये मेन यूनिट ही है इनकी, क्योंकि ये सीक्वेंस में यहाँ मोर्चे बने हुए हैं। वाओ इधर तो आ सकते हैं। गन वगैरह कोई नहीं है, बाकी ट्रक बहुत है। ब्लूबेरी ये लगाओ, ये भी है। ओ वाओ इधर तो बहुत है। प्रोटेक्शन यूनिट था इधर, वो सारे रहते थे और इसकी वो प्रोटेक्शन थी, इसके अंदर खेमे वगैरह लगा के। मेरे ख्याल में इधर से नीचे हम जा सकते हैं। दूर है, आप सही जगह पे आए ना। बिल्कुल एग्जैक्ट, इधर भी हैं बहुत सारे मोर्चे। दरख्त गिर क्या हुआ? कमांडर इन चीफ किधर होगा? इधर वो उधर भी है। हाँ ये तो इन्होंने बंद कर दिया हुआ। ये पहाड़ से नीचे मोर्चा बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में नीचे और भी जगह जगह पर पूरा जंगल में ये मोर्चे बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दूसरी जंग अजीम जिसे वर्ल्ड वार टू के नाम से जाना जाता है, जो 1939 से 1945 तक जारी रही थी, इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल थे। ये एक पूरी हिस्ट्री है। मैं आज आप लोगों को विज़िट करवाऊंगा स्वीडन के एक ऐसे जंगल में मौजूद वर्ल्ड वार टू के बंकर्स, जो आर्मी के मोर्चे हुआ करते थे, उसकी मैं आपको आज वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। उसमें आज बंकर्स किस तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी हालत कैसी होगी हुई है, वो सब इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखना है। मेन मेन मोर्चे आपको दिखाऊंगा मैं, जो कि उनकी हालत अभी भी बिल्कुल सही है। ये मैं अभी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ये स्टार्टिंग में पहाड़ी के ऊपर चढ़ते वक्त तो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और ये साथ में हर बंकर के साथ जो मेन मेन है ना, उनके साथ ये बोर्ड भी लगे हुए हैं। उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं, उनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है साथ साथ थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो स्वेंस्क में है, स्वीडन की लैंग्वेज में। वो मैं भी खुद पढ़ नहीं सकता, तो बाकी मैं आपको ये विज़िट करवा देता हूँ। ये देखें, ये गन का भी उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है निशान, के वो ये वाली गन इस मोर्चे में इस्तेमाल होती थी। और ये देखें, मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, अंदर पूरा अंधेरा है। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था और बहुत ज़्यादा मच्छर भी था, जिस वजह से मैं बाहर निकल आया हूँ। और अभी मैं आपको ये देखें नज़र आ रहा है आपको दूसरा बंकर। ये यहाँ पर हर जगह ये बिल्कुल हमने पहाड़ी के ऊपर जाते जाना है, और साथ में ये आपको बंकर विज़िट करवाएंगे। ये देखें, इस बंकर में आपको मैं अंदर से विज़िट करवाता हूँ। अंदर तो बहुत ज़्यादा ये देखें आपको गंदगी नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं फिर भी चले अंदर जाकर आपको विज़िट करवाता हूँ। ये देखें, इस बंकर के अंदर आर्मी के बेड भी लगे हुए हैं। यहाँ पर आर्मी ये उनका कोई रूम होगा लेटने के लिए। बाकी बंकर्स भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे, और क्योंकि हम अभी पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, और पहाड़ी के ऊपर जाते जाते हम आपको जितने भी मेन मेन बंकर्स हैं वो सब आपको दिखाएंगे, और बाकी जो व्यू आपको नज़र आ रहा होगा वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। सही सही और
जिन्हें बैंक चुकी लिया हाँ जी इस तरह हो सकता इतों लकड़ी कट के बना लिया कारीगर तो है ना एडे एडे मोर्चे बना ले ना बेंच ना के केश है अगे भी चलने मेन है जी जी पूरी जूनियर बटालियन आई होगी ये बनाने के लिए सही बात है दरख्त गिर क्या होगा कमांडर इन चीफ किधर होगा इधर ये उसका वो होगा हाँ उसका वो मोर्चा वो भी वो ये तो इन्होंने बंद कर दिया ओए बारिश बारिश शुरू हो गई हमें मोर्चो में अंदर जाना पड़ेगा इधर भी हैं बहुत सारे मोर्चे ये इनकी लगता फिर ये मेन यूनिट ये इनकी क्योंकि ये सीक्वेंस में यहाँ मोर्चे बने हुए हैं प्रोटेक्शन यूनिट था इधर वो सारे रहते थे और इसकी वो प्रोटेक्शन थी इसके अंदर खेमे वगैरह लगा के मतलब टोटल जो मतलब मेन आर्मी का यूनिट था वो ये था यानी रेजिडेंस लकड़ी चोरी हो गई पाकिस्तान का बेंच रातों रात गायब हो जाना सी ब्लूबेरी ये लगाओ ये भी है इधर है ऊपर खत्म हो गया बारिश हो गई ये इधर काफी लग गया है आहत के लिए लेके जा सकते हैं बेस्ट फूड फॉर योर ब्रेन पता है ओ वाओ इधर तो बहुत है काफी सारे ने इधर ये दिमाग के लिए पता कितना अच्छा है मैं भी ट्राई करूं ये ब्लूबेर है ये बेस्ट है एक कलरफुल ना yes. दिमाग के लिए बहुत अच्छी ये भी मोर्चा है इसका तो अभी तक दरवाजा भी लगा हुआ है या? Yes. ये बंद होगा या खुला होगा दरवाजा चेक करता हूँ नहीं ओपन है मच्छर होगा हाँ काफी मच्छर है गन वगैरह कोई नहीं है बाकी ट्रक बहुत है मेरे ख्याल में इधर से नीचे हम जा सकते हैं सही से देखें यहाँ पर कितने सारे मोर्चे हैं और ये अभी तक महफूज हैं जो वर्ल्ड वार टू में बनाए गए थे ना अभी तक महफूज हैं और इनको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर फिर से कोई वर्ल्ड वार होती है ना कोई इनकी जंग होती है इनकी अपनी जाती किसी कंट्री के साथ जंग होती है तो ये मोर्चे इनके बिल्कुल बस इनको ना
थोड़े बहुत इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, बाकी इनके मोर्चे बिल्कुल रेडी हैं। और ये काफ़ी ऊंचाई में है जगह, मुझे तो मेरा तो सांस फूल रहा है। इन्होंने पता को इतना सिचुएशन हुई है, इतना उतना आंदी से उन्होंने पता ही को नहीं है जगह कितने कसम है, 10-10 साल तो रह रहे हैं, उन्होंने पता ही को नहीं है जगह इतनी ऊंचाई की है। वैसे है भी मतलब कि जंगल दे बिल्कुल मिड द बीच है, तो चूतिए डरती रहती है। जल्द मैं व्लॉग अपलोड करना है ना, स्वीडिश वालों ने कमेंट करना है कि ये जगह कहाँ पर है स्वीडन में, हमें भी बताओ कोई लोकेशन, हमें भी कमेंट में पिन कर दो, हम भी इधर विजिट करना चाहते हैं। ऐसा बंदा तो मिस कर देता है, बाकी तो चुन चान के ले गए ना, इतनी ये भी है, वो ये बहुत है इधर। हाँ जी, ये लेके है, मैं पाकिस्तान में बहुत कम मिलते होंगे, पाकिस्तान में है ही नहीं, है ही नहीं अभी, उधर वो ब्लैकबेरी हैं, ब्लैकबेरी हैं, वो क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, जामुन। वो फ्रूट है। जैसे अब रास्ता नहीं उधर से जाएंगे, क्योंकि हमने शॉर्टकट मारेंगे जाने इस रास्ते। हाँ ठीक है चले, शूज सही नहीं है, शूज। हाँ शूज वो हाइकिंग वाले स्पेशल होते हैं, चले थोड़ा केयर करके चले ही जाते हैं। इधर से आ जी, एल किधर से आएगा, ये दरख्तों पर चढ़ जाएंगे। हाँ ये वो अटैक करता है, वो ये नहीं है कि कोई बाइट रहा है, वो अपनी टांगे मारता है, जैसा बाइट गधा समझो ना। हाँ जी, वो अपनी टांगे कैसे कैसे मारेगा ये सोचो, उसने दरख्त भी गिरा देना, पागल हो जाएगा। ये मुझे लगता है उसी आर्मी का टावर था जिससे वो अपने सिग्नल्स वगैरह लेते थे। हाँ ये जंग वगैरह लग गया हुआ है। अच्छा क्यों? अच्छा हाँ जी, इसकी कोई ना, एक तो इसको जंग बहुत ज्यादा लग गया हुआ है, नहीं। और ये लकड़ी भी बहुत ना, तो तार देख। हाँ जी, तार पुराने जमाने के, कम्युनिकेशन की कोई रडार वगैरह नहीं, रडार नहीं, इलेक्ट्रिसिटी शायद, लेकिन उन्होंने ये लकड़ी इसलिए लगाई है कि करंट ना लगे, करंट ना लगे, क्योंकि ये तब ये यूज करते हैं, ज़्यादा रबड़ वगैरह नहीं होती थी शायद, मे बी। ओके चलो, अभी तो नहीं करंट। और इस पे व्हेन यू गोइंग डाउन Always stay like this. Like अपना वेट है ना जो वो पीछे, वो पीछे की तरफ हो आपका, जितना आगे जाओगे उतना डेंजरस होगा। जब भी आप चल नीचे जा रहे हो जी, जी वेट आगे रखेंगे, आगे तेरा तो गिरेगा कि ज़्यादा नुकसान होगा, मुंह पे ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वही जगह मेन होती है जहाँ पर ज़्यादा चोट लग सकती है। वाओ, इधर तो आ सकते हैं, आहत को लेके आती है। हाँ ये देखते हैं इधर से कितना दूर है, सही जगह पे आए ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये जब हम पहाड़ी से नीचे उतरे हैं तो फिर ये भी हमें जाती दफ़ा तो नज़र नहीं आया, क्योंकि ये हम सीधे जाई जा रहे थे जिस वजह से हमें नज़र नहीं आए। हर जगह ये बंकर्स आपको नज़र आएंगे, और ये देखे ये भी एक साइड पर था तो जो जाती दफ़ा हमें नज़र नहीं आया, और अभी बारिश भी हल्की हल्की लगी हुई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से अभी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अभी जो रह गए थे ना बंकर्स वो विज़िट करेंगे, उसके बाद फिर जल्दी से नीचे उतर जाएंगे।
फाइनली हम नीचे आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा मेरा सांस भी फूल रहा है और आपको मैंने सारी जगह विज़िट करवाई हैं। ये पहाड़ से मैं जब नीचे आया हूँ तो ये मुझे एक चीज़ नज़र आई है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये यहाँ पर धुआं वगैरह निकलने वाला है, मे भी हो सकता है क्योंकि ये अंदर जाली भी लगी हुई है और ये एग्जैक्ट बिल्कुल मोर्चे के अंदर है और मोर्चे का बिल्कुल रास्ता यहाँ से जाता है। ये पहाड़ से नीचे मोर्चा बनाया हुआ है, मेरे ख्याल में नीचे और भी जगह जगह पर पूरा जंगल में ये मोर्चे बने हुए हैं, लेकिन जो मेन मेन थे मैंने आपको विज़िट करवाए हैं। यहाँ के आर्मी के जो वर्ल्ड वार टू हुई थी तो यहाँ पर देखे किस तरह ये मोर्चे बनाए गए थे, अभी तक महफूज हैं और बहुत प्यारा व्यू भी नज़र आ रहा था और बारिश भी काफ़ी बनी हुई थी, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत उतर गई बाद में रुक गई थी, अगर स्टार्ट हो जाती तो हमें वापस आना पड़ना था उसी टाइम, तो अच्छा हुआ कि बारिश उस टाइम रुक गई थी। अभी अभी बारिश फिर से स्टार्ट होने लगी है और हम गाड़ी में बैठने लगे और घर जाने लगे हैं, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर अच्छी वीडियो लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।